नमस्कार सभी को। आज हम बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए हिंदी पेपर के 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर आज कर रहे हैं, कड़बक नाम है। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, सुमेरु का पर्याय क्या है? पर्याय का तात्पर्य यहाँ पर पर्यायवाची से होता है, तो इसका पर्याय जो है वह है कंचनगिरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी ने जो पद्मावत की रचना की थी, जो एक ग्रंथ है, उसकी भाषा जो है अवधी है। प्रश्न आता है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, यानी जो प्रेम की कथाएं हैं उनका वर्णन उनके रचनाओं में मिलता है। सही जवाब ये वाला है। आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वह जायसी की रचना है। उसके बाद प्रश्न है, पाठ में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? कड़बक जो है पद्मावत से लिए गए हैं। प्रश्न आता है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो अपनी आँख की जो उपमा है वह दर्पण से की है। दर्पण होता है शीशा। उसके बाद प्रश्न आता है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, तो यह उनकी शाखा है। उसके बाद प्रश्न आता है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? नहीं पर ध्यान देंगे यहाँ, नहीं कौन सी है? तो मृगावती नहीं है, बाकी सब हैं, ये वाली और ये वाली। उसके बाद प्रश्न आता है, पद्मावत की भाषा क्या है? तो यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद प्रश्न आता है, कड़बक के कवि कौन हैं? कड़बक के कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? कविता का नाम है कड़बक। प्रश्न आता है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1492 ईस्वी में। प्रश्न आता है, जायसी का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद प्रश्न आता है, जायसी किस तरह के कवि हैं? तो वह सूफी कवि हैं। जायसी का जन्म स्थान ये है अमेठी में। उसके बाद प्रश्न आता है, जायसी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शेख यमरेख। प्रश्न आता है, जायसी कैसे थे? धनवान थे या गरीब थे? तो यहाँ पर फकीर थे। प्रश्न आता है, जायसी हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा से जुड़े हुए थे? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। प्रश्न आता है कि जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आगे जो हैं डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। उसके बाद प्रश्न आ रहा है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? कौन सा रस इनकी कविताओं में मिलता है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस, क्योंकि प्रेम के बारे में बातें करते थे तो श्रृंगार रस मिलता है। उसके बाद प्रश्न आता है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? तो रक्त रूप लई के द्वारा इन्होंने जोड़ा था। प्रश्न आता है, जायसी ने रालसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से सींचा। प्रश्न आता है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी वो गुणवान हैं? उनको नेत्र दोष था, आँखों में प्रॉब्लम थी, फिर भी वो गुणवान हैं। तो यह प्रश्न जो है इस प्रकार से है। प्रश्न आता है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? किससे तुलना की जा सकती है? तो उसका जो काव्य है उसकी तुलना समुद्र से की गई है। प्रश्न आता है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो गंभीर और व्यापक है समुद्र की तरह। प्रश्न आता है,
इनमें से प्रेम के पीर कौन से कवि कहे जाते हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं जायसी की, तो जायसी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो कड़बक पद्मावत से ग्रहण किया गया है। प्रश्न है, कड़बक के रचयिता कौन हैं? कड़बक के रचयिता हैं जायसी। प्रश्न आता है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा का है अवधि। मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जायसी ने आग की उपमा ये भी मैंने आपको बता दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि ये हैं। आप साथ साथ उत्तर भी बता सकते हो, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही आए हैं, जिससे आपके सारे चैप्टर्स जो हैं आपको लर्न हो जाएं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर मृगावती आंसर सही है, उसके बाद पद्मावत जो है जायसी ने लिखा ही है, आपको पता ही होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं आज हमने इस पाठ के किए, और आपको इनमें से कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। किसी और पाठ के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ई बुक्स और पेपरबैक बुक्स जो हैं ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।